अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरण भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। गुजरात में आम आदमी पार्टी को एक और झटका, 6 पार्षदों ने झाड़ू छोड़ कमल उठाया। साल 2021 में हुए गुजरात निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सभी को चौंकाते हुए सूरत नगर निगम में 27 सीटों पर कब्जा किया था। गुजरात की राजनीति में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा। दरअसल आपके 6 पार्षदों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इससे पहले बीते साल भी 4 पार्षदों ने भाजपा का दामन थाम लिया था। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में आपके 6 पार्षदों ने भाजपा का हाथ थाम लिया। जिन पार्षदों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की उनमें स्वाति क्यादा, निराली पटेल, धर्मेंद्र बावलिया, अशोक धामी, किरण खोकानी और घनश्याम मकवाना शामिल हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के 4 पार्षदों रीता खैनी, ज्योति लाठिया, भावना सोलंकी और विपुल मावोलिया भी भाजपा में शामिल हो गए थे। साल 2021 में हुए गुजरात निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सभी को चौंकाते हुए सूरत नगर निगम में 27 सीटों पर कब्जा किया था। अब बोलो तुम। हमने त्या गांधीनगर खाते प्रफुल्लभाई पानसेरिया जे शिक्षण मंत्री छे एमने पोताना होम पर बोलाव्या था अने त्या बेसीने वात करेली हती के तमने आटला रुपया आपवामां आवशे અને એવી વાત કરીને કીધું હતું કે તમે ભાજપ સાથે જોડાઈ જાઓ, ભારત ભાજપની વિચારધારા સાથે જોડાઈ જાઓ। પછી આજનો દિવસ હતો, સવારથી બધી વાત ચર્ચા બધું ચાલતું હતું। પછી હું તો પહેલેથીને જ એમની સાથે રહેવાનું એક એ લોકોને એમ થતું હતું કે હું એમની સાથે જ છું। પછી આજે 5 વાગે આવી અને મેં અમારા મહામંત્રી શ્રી મનોજભાઈ સોરઠિયાને જણાવ્યું કે આવું બધું ચાલી રહ્યું છે અને ત્યારે બધી જ વાત બહાર આવી અને આજે 6 લોકો જે બીજેપીમાં જોડાઈ ગયા છે। અત્યંત દુઃખની વાત છે, બીજેપીવાળા જે પૈસાની લાલચ, આમ તો અમને તોડી શકે એમ નથી, પણ પૈસાની લાલચ આપી અને ભરમાવીને અને એમની તરફ કરવા માગે છે। મારી સાથે અત્યારે જે જોડાયા છે, નિરાલીબેન હતા, આપણે સ્વાતિબેન હતા, કિરણભાઈ ખાણી, અશોકભાઈ ધામી, ધર્મેન્દ્રભાઈ વાવલિયા અને ધર્મેશભાઈ મકવાણા, આ બધા જ સાથીઓ મારી સાથે હતા। ખબરો મેં અબ તક બસ ઇતના હી મિલતે હૈ તરહસે હી બડી ખબર કે સાથ। તબ તક કે લિયે નમસ્કાર ઓર દેખતે રહીએ ન્યૂઝ જાગૃત ભારત।